एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 50 इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ में बोलते हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना और इसको सीखना कोई फैशन नहीं रह गया है, इनफैक्ट ये एक रिक्वायरमेंट बन चुका है। आपको चाहे इंटरव्यूज क्रैक करने हो, या आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल जाना हो, या फिर आपको पीटीएम अटेंड करनी हो, या फिर आपको कोई फॉर्म फिल करना हो, आपको हर जगह इंग्लिश लैंग्वेज ही मिलती है। इसलिए ये अब नेसेसरी हो चुका है कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखी जाए और इंग्लिश स्पीकिंग की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस की जाए। इंग्लिश स्पीकिंग के हमेशा तीन लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है बिगनर्स लेवल, दूसरे नंबर पर आता है इंटरमीडिएट लेवल, और तीसरे नंबर पर आता है एडवांस्ड लेवल। तो इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत हमेशा बिगनर्स लेवल से की जाती है। इसमें छोटे छोटे इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस आते हैं जिसमें आपको उनको बोलने की, उनका सही से प्रोनाउंसिएशन करने की जरूरत होती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम ऐसे ही 50 मोस्ट यूजफुल इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस। आपने कहां से उठाया, वेयर डिड यू पिक इट फ्रॉम। नहाने का समय हो रहा है, इट इज टाइम टू टेक अ बाथ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ले लो। इट इज ओके, टेक अ लिटल बिट। मेरे पास और कुछ नहीं है, आई डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स। आते हुए एक पैकेट दूध लेते आना, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ मिल्क व्हाइल कमिंग। तुम कब लौटोगे, व्हेन विल यू रिटर्न। खुद को मत कोसो, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट वॉट एवर हैपन्ड। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग टू से। एक इशारा ही काफी है, अ हिंट इज एनफ। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, इट विल नेवर एवर हैपन ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम। मेरी खामोशी का फायदा मत उठाओ, डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ माई साइलेंस। मैंने कब कहा, व्हेन डिड आई से। ये तुम्हारा वहम है, इट इज योर इल्यूजन। तुमने सब गड़बड़ कर दिया, यू हैव स्क्रूड अप एवरीथिंग। तुम्हें ये कहने का कोई हक नहीं है, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू से दिस। अपनी बड़ास मुझ पर मत निकालो, डू नॉट टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। चाय में चीनी नहीं है, देर इज नो शुगर इन द टी। अब पछताने से क्या फायदा, देर इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। ये दवा खाली पेट लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। इसे नीचे मत रखना, डोंट कीप इट डाउन। इस वक्त हमारा मिलना ठीक नहीं होगा, इट वुड नॉट बी राइट फॉर अस टू मीट एट दिस टाइम। तुम्हारी तो किस्मत चमक गई, योर लक हैज शाइंड। तुम बहुत बदल गए हो, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, अ लॉट चेंजेस विद टाइम। आज खाना किसने बनाया, हु कुक्ड द फूड टुडे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर क्वेरीज। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये कोई मजाक नहीं है, दिस इज नॉट अ जोक। यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हेयर। मैं पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। आपको मेरा नंबर कैसे मिला, हाउ डिड यू गेट माय नंबर। मैं पैदल आया, आई केम ऑन फुट। तुमने किताब उल्टी पकड़ी है, यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन। मैं आपका नाम भूल गया, आई फॉरगॉट योर नेम। मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ, हाउ मे आई एड्रेस यू। और जोर से बोलो, स्पीक मोर लाउडली। बोलो कब जाना है, टेल मी व्हेन टू गो। मेरा ये मतलब नहीं था, आई डिड नॉट मीन इट। तुम किस समय आओगे, एट व्हाट टाइम विल यू कम। धूप में बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट इन द सन। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर अस। मेरा फोन कहाँ चला गया, वेयर डिड माई फोन गो। जितना जल्दी हो उतना अच्छा, द सूनर द बेटर। करूँ तो करूँ क्या, वॉट डू आई डू। चलो कोई नहीं, नेवर माइंड।
तुम मुझे इस तरह से फुसला नहीं सकते। यू कांट लूअर मी लाइक दिस। मैं कैसा लग रहा हूँ? हाउ डू आई लुक? ये मेरी दूर की रिश्तेदार है। शी इज माई डिस्टेंट रिलेटिव। तुम मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? वॉट गिफ्ट हैव यू ब्रॉट फॉर मी? एक मक्खी परेशान कर रही है। अ फ्लाई इज बॉथरिंग मी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है, आपको पसंद आया है मेरा पढ़ाया हुआ है, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।